नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू द न्यूयॉर्क सीरीज। तो ये लोग हैं पीछे, खुशी दीदी, ये पलक। अभी हम जा रहे हैं इनका बूस्टर शॉट लगवाने। ये दोनों का वैक्सीनेशन हो गया, कैसा लग रहा है वैक्सीन लेने के बाद? थर्ड डोज था ना? यस। कैसा लग रहा है? पलक बने वो गोप दी। तो एनीवेज अभी हम जा रहे हैं टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर नहीं जा रहे अपने, तो रॉकफेलर सेंटर। तो कोई रॉकफेलर सेंटर हम जा रहे हैं? तो मेरे को नहीं पता वो कहाँ है, जो भी है जा रहे हैं बस। तो दोस्तों हम आ गए हैं मेरे ब्लॉग के आइकॉनिक प्लेस में, जहाँ पे ऑलमोस्ट आ गए, पहुँचने ही वाले हैं। भी ये लोग जा रहे हैं अपना कोई काम करने और मैं जा रहा हूँ द टाइम्स स्क्वायर। बाय बाय। तो चलिए अभी हम निकलते हैं टाइम्स स्क्वायर। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी ठंडी में भी घूमने का मज़ा उठाने का ट्राई कर रहे हैं। और काफ़ी लाइवली है ये सिटी, रात को 1 बजे आओ आपको जैसा लगेगा, अभी दोपहर को आओ वैसा लगेगा, और अर्ली मॉर्निंग आज सुबह 9 बजे जब मैं पहुंचा था तब भी ठीक वैसा ऐसा ही लग रहा था। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं द टाइम्स स्क्वायर। देखो ये कुछ फेक एक्सेंट नहीं मार रहा, बस एक्साइटमेंट से निकल रहा है थोड़ा। देखो टाइम्स स्क्वायर में जो सीढ़ियाँ हैं, ये वाली सीढ़ियाँ क्या बोलते हैं इसको मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसके ऊपर खड़े होके जब देखता हूँ ना, तब लाइक बीच बीच में मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यूएस आके, मेरा ठीक डिसीजन था, डिसीजन गलत था या ठीक था। तो बस जब आई कम एंड स्टैंड हियर एंड लुक एट दिस व्यू, आई गेट द आंसर, सब कुछ सही था। अगर ये व्यू देखने के लिए, ये ज़िंदगी जीने के लिए अगर थोड़ी कठिनाई, थोड़ी ऑब्स्टेकल्स का सामना भी करना पड़ता है ना, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ और व्लॉग में बोल रहा हूँ, आंखों से आंखें मिला के बोल रहा हूँ, एक ही सपना है मेरे को, बस इतना अमीर बनने का है। मेरे पापा मम्मी को, दोनों को लाऊंगा और वहाँ पे जो सेंटर है टाइम्स स्क्वायर का, वहाँ पे खड़ा करूँगा, वो देखेंगे और उनका रिएक्शन, स्पेशली मेरे पापा का रिएक्शन शूट करने का है मेरे को, कैसा लगता है उनको, हाउ दे रिएक्ट टू दिस प्लेस, एक ही सपना है। खत्म हो गया, मैं ज्यादा व्लॉग बना नहीं पाया, मैं ये खरीद के लाया अभी, $7 में $10 का था, पाकिस्तानी बंदा था तो मैं थोड़ा का टोपी पहन पहन के बाल ही खराब हो गए। तो अभी हम खाना खा रहे हैं,
हमारा ये कुछ एक है वो कुछ एक है, मतलब दाल चावल है, दाल है, पनीर है, ये काठी रोल है, वो सब कुछ नहीं। तो हम अभी खाएंगे अच्छे से कुछ नहीं, मतलब देख लो मेरी माँ, मैंने तो बोले क्या दारू रखा था ना, नहीं ये हॉट चॉकलेट है, ये मेरा ट्राइपॉड है, कुछ नहीं है। तो अभी बस खाना खाएंगे, बहुत जोर की भूख लगी है, उसके बाद कहीं फिर जाएंगे, देखते हैं। तो दोस्तों हमने अपना खाना खत्म कर लिया, अभी खाना फाइनली, और खाना पचाने के लिए अभी हम चल रहे हैं मैनहट्टन में। ये देखिए मैनहट्टन में शाम कुछ ऐसी दिखती है, बड़ा ट्रैवल ब्लॉगर बन रहा हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट्स करेंगे, थोड़ा अच्छा थोड़ा ऐसा झिकझक वाले फोटो उठाएंगे, और इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट चाहिए यार। इंस्टाग्राम में लास्ट पोस्ट क्या किया था मेरे को याद भी नहीं है। तो बड़ा सुंदर जगह है वहाँ पे, थोड़ा दिखाएंगे क्रिसमस का डेकोरेशन, मैं दिखाता हूँ। दोस्तों काफी अच्छे अच्छे फोटोज लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं एप्पल स्टोर। ए कहाँ अभी कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं, कैथेड्रल जा रहे हैं। तो हाँ 1 2 3 4 तो जैसे हो, हाँ सेम। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और फोटोज काफी सही सही लिए हैं हमने। अगर वो फोटोज आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मैं इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डाल रहा हूँ। और उसके बाद हम दोस्तों ये है वो चर्च और ये वो रास्ता है। हाँ भाई सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, हाँ समझ गए। और ये है पूरा स्ट्रीट, कितने लोग देखो लोग दोस्तों, ये भी और एक लोग। ये जो क्रिसमस ट्री है ऊपर जिसका स्टार है वो अभी से डेकोरेट होना शुरू हो रहा है, 1 तारीख को वो लाइट अप होगा। तो एनीवेज आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। हम फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।